हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ग्राम पंचायत की जानकारी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जिनके कारण से जो बड़े बड़े दिग्गज उम्मीदवार होते हैं ग्राम पंचायत के, चाहे वो सरपंच उम्मीदवार हो, वार्ड पंच उम्मीदवार हो, जिनके कारण से हार जाते हैं, यानी कि ऐसे क्या कारण है कि वो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उनके अंदर वो हार जाते हैं, चाहे उनको हजारों वोट मिलने लायक हो फिर भी उनको वोट नहीं मिलते। इनका कारण क्या है? चाहे वो हजारों रुपये खर्च करते हो या लाखों रुपये खर्च करते हो, उसके बाद भी वो हार क्यों जाते हैं, इसको लेकर आज के वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि ऐसी क्या गलतियां करते हैं उम्मीदवार जिसके कारण वो ग्राम पंचायत का चुनाव या फिर वार्ड पंच का चुनाव या फिर सरपंच का चुनाव हार जाते हैं। इसके बारे में जानकारी बताने से पहले दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है जिससे आपको ऐसी ग्राम पंचायत जुड़ी जानकारियां मिलती रहें। सबसे पहली जानकारी आपको बता दूं, या सबसे पहला हारने का कारण, आप सभी जानते हो जो उम्मीदवार हैं वो ग्राम पंचायत का चुनाव जीतने के लिए, चाहे वो सरपंच चुनाव हो या वार्ड पंच चुनाव हो, जीतने के लिए वो क्या करता है, बहुत सारी घोषणाएं कर देता है। घोषणा का मतलब, मैं गांव में नहर ले आऊंगा, मैं गांव में फिल्टर पानी ले आऊंगा, मैं गांव में सड़क बनवा दूंगा, मैं गांव में करके बहुत इतनी सारी बातें बता देता है जो वो पूरा नहीं कर पाता। आप सभी जानते हो कि अब की बार ऐसा है कि कोरोना काल होने के कारण ग्राम पंचायत के अंदर बहुत कम बजट दिया जाएगा, और अगर आपने ऐसी गलती कर दी और आप ऐसे हो रहे तो आप दोबारा कभी चुनाव के अंदर भागीदारी नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, आपको लोग पहले जैसे नहीं हैं, लोग समझदार हो गए हैं, जो हिसाब से ही देखेंगे, यानी कि ज़्यादा अगर आप ऐसी ज़्यादा घोषणाएं कर दोगे तो आप चुनाव हार सकते हो। यही कारण रहता है आपके गत चुनाव के अंदर लोगों ने इतनी घोषणाएं कर दी जिनके बाद अब उन लोगों को वोट नहीं मिलागा या फिर उन लोगों को हार का सामना करना पड़ा। अब दूसरी जानकारी या फिर दूसरा कारण है जो हारने का कारण, महत्वपूर्ण कारण है, चुनाव में दूसरे उम्मीदवार को नीचा दिखाना। देखिए, चुनाव में कोई भी उम्मीदवार हो, दोनों बराबर समझना है, यानी कि अपने से ज़्यादा समझना है कि वो हमसे 2 वोट ज़्यादा ला सकता है। तो आपको अच्छी तरह से मेहनत करनी है और किसी की भी बुराई नहीं करनी है। कभी भी अगर आप कोई चुनाव में किसी भी उम्मीदवार की बुराई करते हो तो लोग ये समझ जाते हैं कि भाई ये आदमी उसकी बुराई कर रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं उससे डर रहा है, या फिर आपका ये कहेंगे कि वो कहीं कहीं ये तो फिर चापलूसी का काम करेगा, तो फिर ये हमारे ग्राम पंचायत को किसी प्रकार से भला नहीं करेगा, इसके लिए भी आप हार सकते हो। तो आपको ग्राम पंचायत में जो अगले उम्मीदवार हैं उनको भी कभी आपको नीचा नहीं दिखाना है, ना ही उसको कहना है किसी प्रकार की कोई बात करनी है, उसको भी अपनी तरफ से एक फ्रेंडशिप ही रखनी है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपके ग्राम पंचायत जुड़ा रहने वाला है। अब दूसरी बात, या फिर दूसरे ग्राम पंचायत की जो बात करें तो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होते हैं। तीसरी जानकारी बता दूं कि ग्राम पंचायत में दारू व नशे की चीजें बांटना, चुनाव में प्रचार के लिए जो नशे की दारू की चीजें बांटी जाती है, आप सभी जानते हो दारू बांटा जाता है, उसके बाद ऐसी बहुत सारी मादक पदार्थ बांटे जाते हैं जिससे उनको वोट मिल सके, पर ऐसा नहीं है। पहले के लोग क्या होते थे, दारू को लेकर वोट दे देते थे, दारू लेकर पैसा लेकर वोट दे देते, पर अभी के जो लोग हैं वो शिक्षित हो चुके हैं। आप दारू बांटोगे, शराब बांटोगे तो वो तो ले लेंगे, जो पीने वाले हैं वो तो ले लेंगे, पर जो शिक्षित लोग हैं आपको वोट नहीं देंगे। इसी का महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण एक उम्मीदवार है चाहे वो जितने लायक क्यों ना हो फिर भी हार जाता है। ऐसा हर बार हुआ है, मैंने खुद भी देखा है, तो ऐसा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दारू मादक पदार्थ, देखिए बांटना है तब आपको किसी भी प्रकार का कोई मादक पदार्थ नहीं बांटना है। और मैं तो यही कहता हूँ, आप ईमानदारी से चुनाव जीतिए, कोई भी चीज़ को ना बांटिए जिससे आपके ग्राम पंचायत का भला ना हो, नुकसान हो, ऐसी कुछ भी चीज़ को आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं चौथी बात के, बात करने का नजरिया, लोगों का बात करने का नजरिया है, जातिवादक बात करते हैं या फिर जाति को लेकर किसी भड़काऊ बात कर लेते हैं जिसके कारण भी चुनाव हार जाते हैं लोग। क्या कारण है कि चुनाव के अंदर भाई हम आपकी जाति से खड़े होंगे, हमको आपकी जाति के ही वोट मिलेंगे, इसका मतलब यही है कि उसको उस जाति के भी वोट नहीं मिलेंगे, ना ही दूसरी जाति से वोट मिलेंगे। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी जाति प्रवाद से कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी ग्राम पंचायत से वोट मांगना है, अपने ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनसे मांगना है। साथ ही ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी लोग को कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसको भी लाभ दिलवाना है। ये काम आपका है तो आपको जरूर करना है, जिससे आपको ग्राम पंचायत जुड़े जितने भी लोग हैं आपको वोट अच्छी तरह से दे, आपको वो समझे कि वो ये मेरे भला कर सकता है इसलिए आपको वोट दे। बिना निष्पक्ष कोई भाव नहीं होगा, अपने खुद के लिए नहीं सभी के लिए वोट दे, ऐसा आपको लिए होना चाहिए। अब पांचवी जानकारी है वो कहने का मतलब, कारण भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कि बहुत सारे उम्मीदवार ये हो करते हैं
कि भाई वो बहकाव में आ जाते हैं, भाई अपने तो रिटर्निंग अधिकारी है, वो अपने पहचान का है, तो हम उसको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं होती। और बाद में क्या होता है, रिटर्निंग अधिकारी नहीं बदल आता पड़ता है, या फिर बदल कर आता है उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर पाता है, या फिर या जब समय निकल जाता है उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बनाने जाता है, तो वो चुनाव से पहले ही बाहर हो जाता है और हार जाता है। तो आपको अपने ग्राम पंचायत जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है कि ग्राम पंचायत को लेकर जो हार जाते हैं उसके महत्वपूर्ण कारण क्या है, ग्राम पंचायत के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी, सभी की जानकारी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है दोस्तों। तो वहां पर जाकर आप पूरी जानकारी पढ़ लीजिएगा जिससे आपको सभी जानकारियां मिल सके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और आपको ध्यान रखना है कि ऐसी गलती आपको नहीं करनी है जिससे आप ग्राम पंचायत जुड़ा जो भी चुनाव लड़ रहे हो आप आराम से जीत सके। साथ ही वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जिससे आपको ऐसी ग्राम पंचायत जुड़ी जानकारियां मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ऐसी ग्राम पंचायत की योजना जुड़ी जानकारियां पाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, उसके नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा तो आपको सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के बाद आपको यहाँ पर ऑल का बटन दिखेगा, उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना है, जिससे ग्राम पंचायत की जितनी भी योजना होंगी या फिर ग्राम पंचायत जुड़ी जितनी भी जानकारियां होगी सबसे पहले आपको